posibilidades que tiene. Yo no me enfresque, hay un bonito animal, yo no me enfresque, es que a ti. Pues a usted que dijo, si tiene que agotar el juego, me toca a mí. O si tiene que agotar. Así como dicen electromagnetic or electrical current, it is used for the carrying the data from one system or a network to the other. यानी कि जैसे रेडियो वेव है हमारे, कोई भी वेव हो, कोई भी तरंग हो, वो क्या करता है, तरंग जो है हमारा वो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, हम बोलते हैं तो वाइब्रेशन होता है, तो वो वाइब्रेशन क्या होता है, एक प्रकार का तरंग है, एक प्रकार का वेव है, तो वाइब्रेशन को वेव क्या करता है कि हमने जो बोला हुआ शब्द है अक्षर है वो हवा के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाता है। वैसे ही सिग्नल, सिग्नल यानी एक प्रकार का तरंग है, इसका यूज हमें क्या है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन कैरी करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक हमें इंफॉर्मेशन कैरी करवाना है, उसे बोलते हैं सिग्नल। और सिग्नल का क्या है, या तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है या तो फिर इलेक्ट्रिक करंट होता है। The signal is a function that convey information about the phenomenon. कोई भी घटना की information हम signal के थ्रू भेज सकते हैं। In electrical and telecommunication, it's referred to the any time varying the voltage that is and the electromagnetic wave which carries the information. यानी कि वेव्स के बहुत टाइप आते हैं, एक तो ऑडिबल वेव्स और फिर इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक, सोनिक, रेडियो एक्टिव, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, बहुत टाइप्स के वेव आते हैं और उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी वो सब डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो सिग्नल के अंदर हम ज्यादातर कौन से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो हमारे वेव है वो बड़ी वेवलेंथ के थ्रू क्या करता है, इंफॉर्मेशन हमारी कैरी कर सकता है और ट्रांसफर कर सकता है। तो हम वहां तक रहे, एक मिनट। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक वेव होता है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय किए बिना, हमारी इंफॉर्मेशन को इनकरेक्ट किए बिना लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी कर सकता है। तो ये हो गया बात हमारा सिग्नल, सिग्नल क्या है वो। अब सिग्नल के दो टाइप आते हैं हमें पता है, एक तो है एनालॉग सिस्टम और दूसरा है कौन सा है, एनालॉग और डिजिटल। अब एनालॉग यानी कि वो कोई चीज है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसे हम एनालॉग बोलते हैं। जैसे कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे अंदर के जो वाइब्रेशन होते हैं, हमारे अंदर का जो इंफॉर्मेशन सिग्नल यानी कि हमारा जो शब्द है, हमारा जो वाक्य है वो अंदर से निकलता है, वो भी एक वेव ही है। तो वो जो वेव होगा उसका सिग्नल होगा क्या, एनालॉग। एनालॉग सिग्नल यानी कि नेचुरल सिग्नल। तो उसमें क्या होता है कि हमारा सिग्नल जो है ना वो इस तरह का कंटिन्यूअस मिलता है, जैसे कि हमारा साइन वेव, साइन वेव है कंटिन्यूअस है और टाइम और वैल्यू दोनों के साथ वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, पढ़ते हैं क्या। एनालॉग सिस्टम इज द कंटिन्यूअस सिग्नल इन विच वन टाइम वेरिंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट द अनदर टाइम बेस्ड वेरिएबल। क्या है, कंटिन्यूअस सिग्नल है। दिस काइंड ऑफ द सिग्नल वर्क्स विद द फिजिकल वैल्यू एंड द नेचुरल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी, वोल्केनो, स्पीड ऑफ द विंड, लाइटिंग, यानी कि जो नेचुरल फिनोमिना है उसका क्या होता है, एनालॉग सिस्टम। अब बात करते हैं डिजिटल सिस्टम। अरे भाई हम तो क्या है, एनालॉग सिस्टम हम तो बोल सकते हैं, हमें समझ में भी आ जाता है, लेकिन जो हमारी सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर है या फिर कोई मोबाइल है या और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो तो एनालॉग, वो तो नेचुरल नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल है, तो वो तो एनालॉग सिस्टम को पता नहीं चलेगा, उसको तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, जैसे कि बाइनरी 0110 वाली। तो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे टाइप का सिग्नल है जो हमें खोजना पड़ा, उसे हम बोलते हैं डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिग्नल के अंदर क्या है कि जो हमारा एनालॉग सिस्टम कैसे था, कंटिन्यूअस था,
तो ये कंटिन्यूस नहीं है, इसकी वेरी क्या होगी, 1 0 1 0 के बीच में ही आ गया, बीच में ब्रेक पड़ जाएगा, बाद में 1 0 0 1 1 0 0 1 उस टाइप का सिग्नल है। और इसे हम स्क्वायर सिग्नल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका जो सिग्नल आ रहा है उसका जो ग्राफ है वो क्या है, स्क्वायर, तो हम इसे स्क्वायर सिग्नल भी बोल सकते हैं। दूसरा डिसकंटिन्यूस सिग्नल भी बोल सकते हैं। और डिजिटल सिग्नल इज अ सिग्नल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा एज अ सीक्वेंस ऑफ द सेपरेटेड वैल्यू एट एनी पॉइंट इन द टाइम, यानी कि क्या है, इन सीक्वेंस है, यानी डिसकंटिन्यूस है, साइन वेव की तरह कंटिन्यूस नहीं है। इट कैन ओनली टेक अ वन फिक्स नंबर ऑफ द वैल्यू। इस टाइप ऑफ द सिग्नल रिप्रेजेंट द रियल नंबर विद इन द कॉन्टेंट रेंज ऑफ वैल्यू, यानी कि ये हमारा क्या है, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा उपकरण है, जो हमारा सिस्टम है, वो कौन सा सिग्नल समझ पाएगा, डिजिटल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो, एनालॉग सिस्टम इज द कंटिन्यूस, वे डिजिटल सिस्टम इज द सेपरेटेड और डिसकंटिन्यूस। एनालॉग सिस्टम इज डिनोटेड बाय द साइन वेव एंड डिजिटल सिग्नल इज डिनोटेड बाय स्क्वायर वेव। एनालॉग सिस्टम यूज अ कंटिन्यूस रेंज, एनालॉग सिस्टम में क्या है, कंटिन्यूस हमें रेंज मिलती है, लेकिन उसमें क्या है, 1 0 1 0 यानी 0 1 0 1 की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एनालॉग सिस्टम बैंडविड्थ इज अ लो व्हाइल द बैंडविड्थ ऑफ द डिजिटल सिग्नल इज अ हाई। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट गिव द कंसिडरेबल ऑब्जर्वेशन एरर, वेयर इज द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कैन काइंड ऑफ द ऑब्जर्वेशन एरर, यानी कि एनालॉग सिस्टम हम कोई ऑब्जेक्ट में डालते हैं तो हमें एरर मिल सकती है, लेकिन डिजिटल सिग्नल डाला है, बाइनरी सिस्टम डाला है, डिसकंटिन्यूस सिग्नल हमें डाला तो कोई प्रकार की एरर हमें मिल नहीं सकती। एनालॉग हार्डवेयर नेवर ऑफर द फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन, बट डिजिटल हार्डवेयर ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी। एनालॉग सिस्टम आर सूट फॉर द ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन, वाइल डिजिटल सिग्नल आर सुटेबल फॉर द कंप्यूटरिंग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एनालॉग सिस्टम की। तो एनालॉग सिग्नल क्या है, दिस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आर द टाइम वेरी, टाइम के साथ वेरी करता है। फिर उसमें क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। साइन वेव देखा हमने, जीरो से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव भी गया और नेगेटिव भी जाता है। इट कैन बी आइदर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, यानी कि दो सिग्नल के बीच उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स भी रह सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सिग्नल की जो वेवलेंथ है उसकी दूसरे की अलग ही आती है। जैसे कि हम बोलते हैं हमारा एनालॉग सिग्नल ही है, हम कभी ज्यादा जोर से बोलते हैं तो कभी फिर वेवलेंथ कम ज्यादा हो सकती है, सॉफ्टली बोलते हैं फिर कम ज्यादा हो जाती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी का आवाज बहुत गाढ़ा होता है तो उसका सिग्नल अलग होता है, किसी का आवाज कोई एकदम जीना होता है तो उसका भी सिस्टम अलग होता है। एक्यूरेसी ऑफ द एनालॉग सिस्टम इज नॉट हाई व्हेन कंपेयर्ड टू द डिजिटल सिग्नल, इट्स हेल्प यू टू मेजर द नेचुरल और अ फिजिकल वैल्यू। एनालॉग सिग्नल आउटपुट फ्रॉम इज लाइक अ कर्व लाइन ग्राफ, सो इट्स मेनी मीनिंगफुल टू ऑल। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल की, क्या होता है डिजिटल सिग्नल आर द कंटिन्यूस सिग्नल, ये बात हमारी गलत है, डिजिटल सिग्नल आर अ इनकंटिन्यूस सिग्नल आता है। दिस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कैन बी प्रोसेस एंड ट्रांसमिटेड बेटर कम्पेयर टू द एनालॉग सिस्टम, ये वर्सेटाइल है, यानी कि सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका डिजिटल सिग्नल है वो ज्यादा यूज होता है और एक्यूरेसी भी उसकी हाई होती है। अब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, एनालॉग वर्सेस डिजिटल। सबसे पहले कंटिन्यूस और सेपरेटेड, पहला मुद्दा हो गया, ये कंटिन्यूस है, ये सेपरेटेड है, इसमें फिजिकल मेजरमेंट होता है, इसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है। साइन वेव स्क्वायर वेव, इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, रेंज इसमें क्या है, 0 से 1 के बीच। फिर एग्जांपल टेम्परेचर, एफएम रेडियो, प्रोटोसेल, लाइट,
वॉल्केनो, अर्थक्वेक, वो सब आते हैं ना, लाइक डिजिटल में कंप्यूटर, फैक्स, सीडी, डीवीडी, वो सब सिग्नल। इसके बैंडविड्थ लो होती है, बैंडविड्थ हाई होती है। एनालॉग सिस्टम आर डिस्ट्रॉयड बाय द नॉइस, और इसमें कोई प्रकार का कोई भी नॉइस इम्यूनिट सिस्टम होती है, यानी कि उसमें कोई भी बाहर का नॉइस या उससे डिस्ट्रॉय नहीं होता है हमारा सिग्नल। एनालॉग हार्डवेयर नेवर ऑफर द फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। सुटेबल फॉर ऑडियो एंड वीडियो, सुटेबल फॉर कंप्यूटरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या है, रियल टाइम एंड कंज्यूमर बैंडविड्थ क्या है, इसकी कम है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आर यूजुअली हैव टू स्केल एंड कैम्पेड द लोअर एंड गिव्स द कंसिडरेबल ऑब्जेक्शन एरर, यानी कि इसमें एरर आ सकती है, इसमें एरर आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एनालॉग सिस्टम डजंट हैव एनी फिक्स वैल्यू, और डिजिटल सिस्टम को फिक्स वैल्यू है जीरो या वन। अब एडवांटेज देख लेते हैं एनालॉग की, और तो एनालॉग सिस्टम क्या है, तो हम बोलते हैं वो नेचुरल है, उसमें क्या है इजियर प्रोसेसिंग है, सुटेबल फॉर ऑडियो एंड वीडियो के लिए ज़्यादा सूट करता है, कॉस्टिंग और मेंटेनेंस उसका लो आता है, लेकिन क्या है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। इट इज़ द हायर डेंसिटी सो इट कैन प्रेजेंट मोर रिफाइंड इंफॉर्मेशन, नॉट नेसेसरी टू बाय न्यू ग्राफिक्स बोर्ड, यूज अ लेस बैंडविड्थ ने नेचुरल फॉर्म ऑफ दिस साउंड है। तो डिजिटल में क्या है, हमें प्राइवेसी ज़्यादा मिलती है, वर्सेटाइल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर क्या है नॉइस इम्यूनेट है, उसमें कोई प्रकार का नॉइस का कोई खलल नहीं होता है, फिर इंटरप्शन नहीं मिलता है हमें, लेकिन क्या है थोड़ा सा कॉस्टली है। डिसएडवांटेज ऑफ द एनालॉग सिस्टम, तो एनालॉग टेंड्स टू हैव अ लोअर क्वालिटी सिग्नल, एनालॉग की क्वालिटी नहीं है अच्छी, उसमें केबल है उसका यूज होता है, कॉस्ट उसका हाई है, लो अवेबिलिटी है, क्योंकि डिजिटल कोई भी आप सिस्टम लो उसके अंदर एनालॉग सिस्टम काम नहीं करता है। इट्स ऑफर द लिमिटेशन, टेप बिकम इन हार्ड एंड फाइन, उसको रिकॉर्ड करने के लिए इट इज द क्वाइट डिफिकल्ट, क्वालिटी उसकी क्या है कि लॉस्ट हो जाती है इजीली, उसमें नॉइस इंटरप्ट हो जाता है, डेटा कैन बी करप्टेड, पेनल्टी प्लेंटली ऑफ रिकॉर्डिंग डिवाइस एंड फॉर्मेट विच कैन बिकम अ कंफ्यूजिंग टू स्टोर अ डिजिटल सिग्नल, पुअर मल्टी यूजर इंटरफेस है, और डिजिटल डिसएडवांटेज ऑफ द डिजिटल, तो सिंपली मे बी कॉजेज द लॉस ऑफ द इंफॉर्मेशन। एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग डिमांड मिक्स द सिग्नल हार्डवेयर, क्योंकि क्या होता है हम जो बोलते हैं वो होता है एनालॉग सिस्टम, लेकिन सिस्टम जो हमें आउटपुट देती है वो होती है डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ता है, एनालॉग सिस्टम को डिजिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है और डिजिटल को फिर से वापस एनालॉग में, क्योंकि हमें डिजिटल सिग्नल नहीं पता है और सिस्टम को एनालॉग सिस्टम नहीं पता है। स्पीड है उसकी, प्रोसेसर स्पीड लिमिटेड है, रिक्वायर्ड द हायर बैंडविड्थ एंड सिस्टम एंड प्रोसेसिंग इज द मोर कॉम्प्लेक्स। तो भैया ये बात हो गई हमारी सिस्टम की, यानी कि सिग्नल्स की, सिग्नल्स क्या है हमने ये इतना पढ़ा इस कंटेंट में, व्हाट इज अ सिग्नल, एनालॉग सिस्टम क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, दोनों की कंपैरिजन जो है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो है, दोनों के एडवांटेजेस और दोनों के डिसएडवांटेजेस। तो ये था हमारा एनालॉग सिस्टम वर्सेस डिजिटल सिस्टम का ग्राफ। तो अब हम बात करते हैं कि एनालॉग सिग्नल है उसे डिजिटल सिग्नल में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। हम यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं कि एनालॉग सिस्टम यानी कि नेचुरल कोई ह्यूमन है वो बोल रहा है, वो क्या होता है एनालॉग सिग्नल के अंदर, लेकिन यहाँ पे आता है मशीनरी कोई भी सिस्टम, तो वो क्या होता है डिजिटल के अंदर। तो ए है एडी कन्वर्जेशन, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेशन कन्वर्टर। तो कन्वर्ट के लिए हमारे पास थ्री स्टेप है, एक तो है सैम्पलिंग, फिर है क्वांटमाइजेशन एंड तीसरा है कोडिंग। एक तो डिजिटल सिग्नल के एडवांटेज हमने देख लिए है, अब आती है कम्युनिकेशन मीडिया टाइप, यानी कि कम्युनिकेट कैसे होता है।
तो उसमें दो फॉर्म होते हैं। अभी कल आपने जो देखा जीएसएम वाला पार्ट्स, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपको डाउट होगा, मैं वो क्लियर करवाता हूँ। तो हमारे पास सिंपल और डुप्लेक्स दो टाइप के कम्युनिकेशन मीडियम है। सिंपल मीडियम में क्या है, तो सिंपल में सिर्फ एक सोर्स होगा, वन वे कन्वर्जेशन होगा, यानी कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी सब सुनने वाले हैं, वो हो गया सिंप्लेक्स। फिर डुप्लेक्स में आता है हाफ डुप्लेक्स और फुल्ली डुप्लेक्स। जो हमारा जीएसएम है वो क्या है, फुल्ली डुप्लेक्स है। जीएसएम क्या करता है, तो जीएसएम कोई वॉइस है हमारे मोबाइल फोन में, हम जो बातचीत कर रहे हैं उसे दूसरे डिवाइस तक पहुंचाता है, और दूसरे डिवाइस की बातचीत कहाँ तक पहुंचाता है, हमारे तक। उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई पहले एक बार बोल ले, बाद में थोड़ा सा समय ठहर जाए, फिर वो सामने वाला उसे सुनेगा, बाद में सामने वाला कुछ बोलेगा, थोड़ा टाइम ठहर जाएगा, फिर यहाँ पर पहले वाला सुनेगा। ऐसा नहीं है, आप कभी बार देख रहे हो कि कोई लेडीज लोग बात कर रही है तो कोई भी एक दूसरे की बात सुनती नहीं है, लेकिन अपनी बात तो चालू ही रखती है। तो वो हो गया फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि यहाँ से कोई बोला, सामने तक उसे सुनने वाला सुनेगा, फिर सुनने वाला फिर बोलेगा, फिर ए वाला सुनेगा, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एट ए पर्टिकुलर टाइम कन्वर्जेशन तो एक ही हो रहा है कि एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है पहले वाला सुन रहा है, ऐसा नहीं है कि दोनों बोल रहे हैं दोनों सुन रहे हैं। तो वो हो गया हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स में क्या है कि भाई दोनों बोल रहे हैं, जो मर्जी आए वो बोलो, दोनों सुनना है तो सुने, नहीं तो नहीं सुने, लेकिन क्या होता है टू वे साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन होता है। तो वो आता है कम्युनिकेशन मीडिया टाइप। उसके बाद आता है मीडियम कौन कौन सा होता है, एक तो वायर होता है और वायरलेस होता है। हमारा जो जीएसएम कनेक्शन है वो क्या है, वायरलेस है। लेकिन वायर वाला कौन सा है, तो टेलीफोनिक आता था, जो पहले के ज़माने में टेलीफोन आते थे, तो उसमें क्या होता था कि केबल जुड़ा रहता था। तो जो केबल वाले कनेक्शन होते हैं उसे हम बोलते हैं वायर कनेक्शन, और जो बिना केबल वाले वायर वाले होते हैं उसे बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन। अब आता है मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, तो भाई मल्टीप्लेक्सिंग कुछ नहीं है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जो बहुत सारे वॉइस होते हैं अथवा तो बहुत सारे सिग्नल होते हैं, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल हो, उसे पहले इकट्ठा करते हैं, उसका एक सिग्नल उसे मर्ज करके एक सिग्नल बनाते हैं, फिर उसे क्या करते हैं सामने जहाँ पे उसे शेयर करना हो, जहाँ पे उसे ट्रांसफॉर्मेशन करना हो वहाँ तक उसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फिर वहाँ जाके जो पहले जितने सिग्नल थे उसमें फिर से उसका विघटन करते हैं, उसमें रिपीट करते हैं। यानी कि क्या हुआ कि पहले कोई यहाँ से हमको 5 कुरियर भेजना है, सूरत से 5 कुरियर हमें अहमदाबाद भेजना है, तो हम क्या करेंगे, 5 कुरियर है, 5 बॉक्स है, पहले अलग अलग रखेंगे, फिर उसको बड़ा बॉक्स लेंगे, उसमें पांचों के पांचों रख देंगे, फिर वो एक ही बॉक्स होगा, वो हम अहमदाबाद पहुंचाएंगे, फिर अहमदाबाद जाके क्या करेंगे, वो बड़े वाले बॉक्स में से अलग अलग जो 5 छोटे छोटे बॉक्स है उसे निकाल लेंगे, और जहाँ पे जिसको देना है वहाँ दे देंगे। सेम प्रोसेस सिग्नल के अंदर हम करें तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग में दो है, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग भी है और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग है, वो हम देखते हैं। इट इज द मेथड बाय विच मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल आर कंबाइंड इनटू द वन सिग्नल ओवर अ शेयर्ड मीडियम। अब मल्टीप्लेक्सिंग की तो मैंने आपको दो बातें बताई, उसमें क्या क्या है, एक तो फ्रीक्वेंसी बेस है और टाइम बेस है। फ्रीक्वेंसी बेस में क्या होगा, टाइम जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, हम डिविजन करेंगे फ्रीक्वेंसी पे। मान लो कि हमारे पास कोई 200 फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है और उसका टाइम पीरियड है 10 सेकंड, ऐसा कोई सिग्नल है तो हम क्या करेंगे, 10 सेकंड के 10 सेकंड ही रहने देंगे, लेकिन 200 फ्रीक्वेंसी है उसको हम 20-20 वाली 10 या 10-10 वाली 20 इसी फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफ़र कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा FDMM, फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस। और टाइम में क्या करेंगे, TDMA
इधर आएगा फ्रीक्वेंसी नहीं, इसमें आएगा टाइम, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो उसमें हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो हमारी 200 है वो 200 ही रहने देंगे, लेकिन जो हमारी टाइम, टाइम जो हमारा 10 सेकंड था उसे हम एक एक सेकंड, दो दो सेकंड, जैसी हमारी मर्जी, जैसी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से टाइम को डिवीजन कर देंगे। इसलिए इसमें देखो यहाँ पे टाइम है वो तो कॉन्स्टेंट ही है सभी सिग्नल के लिए, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हमें डिवीजन कर दी तो बन गया एफ डी एम ए। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो एक ही है लेकिन हमने टाइम को डिवीजन कर दिया तो वो हो गया हमारा टी डी एम ए। अब बात करते हैं हम जीएसएम की, तो ये जो है जीएसएम वाला आपको वो अब मेरे हिसाब से आपको ये याद रह गए होंगे क्योंकि मैंने आपको अटेंडेंस में और असाइनमेंट में लिखने के लिए दे दिया था। तो ये है हमारा जीएसएम नेटवर्क का फिगर कि कैसे वर्क करता है वो, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं कि हमने क्या देखा कि जीएसएम है किस तरह वर्क करता है, और मेन बात तो हमारी सिग्नल की, क्या है हमारा सिग्नल वो। तो अब मैं आपको यहाँ पे अटेंडेंस के लिए दे देता हूँ एनालॉग सिग्नल एंड दूसरा क्या था, डिजिटल सिग्नल, इस दोनों का हमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करनी है। एनालॉग सिस्टम दोनों की हमें, मुझे चाहिए दोनों का फिगर, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बस इतना ही चाहिए वरना ज़्यादा हो जाएगा। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल है उसको मुझे आपका अटेंडेंस में असाइनमेंट में उसकी फिगर चाहिए, दोनों के एडवांटेजेस चाहिए, दोनों के डिसएडवांटेजेस चाहिए और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखनी है। यहाँ तक का ठीक है। तो हमने पहले क्या देखा यहाँ पे तो कि व्हाट इज द एनालॉग सिस्टम एंड व्हाट इज द डिजिटल सिग्नल, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये है आपकी वैल्यू एनालॉग सिस्टम, और एनालॉग सिस्टम की ये फिगर है, ध्यान से देखना वैल्यू टाइम एनालॉग सिस्टम है, साइन वेव है, इसकी कोई रेंज है वो क्लियर रहती नहीं है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है और जीरो से कम भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। डिजिटल सिग्नल क्या है, डिसकंटिन्यूअस सिग्नल है, उसका तो बाइनरी यानी कि जीरो के वन, मैक्सिमम वैल्यू उसकी वन मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू हमें जीरो मिल सकती है। तो ये हो गया डिजिटल सिग्नल, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें वैल्यू वाला लिखना है, और वैल्यू क्या है, जीरो से वन, खास लिखना है कि मिनिमम जीरो और मैक्सिमम उसकी वैल्यू वन। ये दोनों का डिफरेंस हमने देखा, एक कैरेक्टरिस्टिक है एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिग्नल की। एक बार पढ़ के फिर लिख लेना, डिफरेंस को मैंने आपको दिया नहीं है, जो 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 भी आता है उसे मिलर कर हम डिफरेंस बना लेते हैं। फिर एनालॉग सिस्टम का एडवांटेजेस और डिजिटल सिग्नल का एडवांटेजेस, ये हो गया डिसएडवांटेजेस, सभी नहीं लिखने हैं आपको, कोई भी दो या तीन लिख दो, चाहे दो भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन सही से लिखना है कि डिसएडवांटेज ऑफ द डिजिटल सिग्नल। तो हम आज यहाँ तक रखते हैं।